Concept of simultaneous equilibrium is when two or more reactions occur in same container, okay, having at least one species in common. तो कब हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की कंडीशन डिस्कस करेंगे? व्हेन टू और मोर रिएक्शंस, ठीक है, अकर इन सेम कंटेनर having at least one species in common, ठीक है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो एक कॉमन स्पीशीज हो तो अब अगर इस पे हम लोग थोड़ा सा आगे और ध्यान दें, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, स्टोइकोमेट्रिक टेबल कैसे बनाएंगे। मान लो एक रिएक्शन हमें गिवन है ए प्लस टू बी गोज टू सी प्लस डी, ठीक है, और एक रिएक्शन है टू सी प्लस ई मेक बी प्लस एफ। तो नाउ दिस इज अ सिचुएशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, करेक्ट? यस सर। अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग सेम कंटेनर में करें तो ऐसा हो सकता है क्या कि पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ जाए और दूसरे का तब तक ना आया हो? जिस टाइम पे पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो किसी टाइम टी वन पे, तब तक क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम ना आया हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो कंटेनर में दूसरा रिएक्शन तो चलेगा, करेक्ट? दूसरा रिएक्शन चलेगा तो उससे बी और सी की भी मोलैरिटी बदलेगी, अग्री? यस सर। हाँ सर। तो उससे फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कोई भी रिएक्शन अकेले इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएगा, ये दोनों रिएक्शन एक साथ ही इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। Is that clear? ये बात समझ में आ रही? Yes. And therefore we call it as simultaneous equilibrium. Okay? Yes, sir. चलिए आगे समझते हैं। तो अब इसकी टेबल कैसे बनाएंगे? मान लो इनिशियली ये दिया है ए नॉट, ये दिया है बी नॉट, इनिशियली सी जीरो है डी जीरो है, इनिशियली सी जीरो है ई मान लो है ई नॉट, बी तो हमें मालूम है बी नॉट एफ जीरो, ठीक है, ये इनिशियल सिचुएशंस हैं।
ओके यस। अब अगला कॉलम बनाओगे रिएक्टेड। तो मान लो फर्स्ट रिएक्शन एक्स की एक्सटेंट तक प्रोसीड कर रहा है, दूसरा वाई, तो यहां कैसे लिखोगे? माइनस एक्स, करेक्ट, माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, माइनस टू वाई माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है? यस सर। तो अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तो क्या रहेंगी मोलैरिटीज, वो बना लेते हैं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ये कितना बचा, ए नॉट माइनस एक्स, सही है? यस सर। बी पहले कितना था? बी नॉट। बी नॉट उसमें पहले रिएक्शन में कितना रिएक्ट हो गया? टू एक्स रिएक्ट हो गया, और दूसरे रिएक्शन में कितना बना? वाई। वाई, तो देखो ये गलती मत करना कि ऊपर लिख दिया बी नॉट माइनस टू एक्स और नीचे लिखा बी नॉट प्लस वाई। देखो कंटेनर के अंदर ऐसा बी में अलग अलग बाउंड्री नहीं बनी है कि ये बी रिएक्शन वन का है और ये बी रिएक्शन टू का है, करेक्ट? कंटेनर के अंदर तो जो बी है वो बी है, क्लियर? यस सर। तो बी कितना लिखेंगे हम, बी नॉट माइनस टू एक्स प्लस वाई दोनों जगह, ओके, समझ में आया? यस सर। ऐसे ही सी नॉट क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू वाई, डी एक्स ई नॉट माइनस वाई एफ वाई। और अब दो इक्वेशंस बनाएंगे के वन और के टू के लिए, ठीक है? ओके, अब दो इक्वेशंस बनाएंगे के वन के टू के लिए और उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो, सर ये लास्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके सर, थैंक यू। कर लिया नोट? सर एक डाउट है प्रीवियस पेज पे। सर अगर ये अगर स्टार्टिंग में सर सी जीरो है तो सर वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो समझा नहीं। स्टार्टिंग में सी जीरो है, पहले रिएक्शन से बनेगा सी, समझ रहे हो? सर तो वो वाला ही रिएक्ट करेगा ना फिर। हाँ तभी वो वाला फिर सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट करेगा। समझा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो बुकलेट सब्जेक्टिव लेवल टू में
टेंथ प्रॉब्लम देखो जरा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस है, क्या दिया है, टू सॉलिड कंपाउंड्स ए एंड बी डिसोसिएट्स इनटू गैसियस प्रोडक्ट एट 20 डिग्रीज और रिएक्शन दिए, ए सॉलिड गोज टू ए डैश गैस प्लस H2S गैस, ठीक है, और दूसरा दिया है बी सॉलिड गोज टू बी डैश गैस प्लस H2S गैस, ठीक है। अब क्या बोला है, प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए 50 ml, मतलब अगर हमने एक कंटेनर में केवल ए सॉलिड रखा, केवल ए सॉलिड रखा तो ये तो केस कौन सा हो गया, इस कंटेनर में तो केवल एक रिएक्शन ही होगा ना, ए वाला, राइट, इनिशियली ये दोनों जीरो, इक्विलिब्रियम आने तक मान लो इनका प्रेशर कुछ P1 P1 हो गया, टोटल प्रेशर बोल रहे हैं 50 विच विल बी 2 P1, तो P1 आ गया 25, करेक्ट, तो इस रिएक्शन का केपी क्या होगा, P1 स्क्वायर दैट विल बी 625, करेक्ट। और फिर आगे बोला है प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड बी इज 68, तो एक दूसरे कंटेनर में केवल सॉलिड बी लिया है तो वहां दूसरे रिएक्शन का इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम होगा, इनिशियल प्रेशर 0 0, इक्विलिब्रियम तक कुछ मान लो P2 P2, अब टोटल प्रेशर है 68 तो P2 आ गया 34, तो इस रिएक्शन का केपी होगा P2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 34 का स्क्वायर 1156, ठीक है, क्लियर, यस सर, यस। तो सबसे पहली चीज तो तुमसे यही पूछी है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। फिर पूछा है, फिर पूछा है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश इन वेपर फेज ओवर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स ए एंड बी और टोटल प्रेशर। तो अब तुमने एक कंटेनर में क्या किया है, ए सॉलिड भी लिया है और बी सॉलिड भी लिया है, अब इस कंटेनर में क्या होगा, अब दोनों रिएक्शन होंगे इस कंटेनर में, करेक्ट, यस सर, और इनमें एक कॉमन स्पीशीज है H2S, सो नाउ दे विल अचीव साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो मान लो रिएक्ट इनिशियली तो ये सब दोनों 0 0 है, मान लो ये रिएक्शन प्रोसीड करता है P3 तक, तो प्लस P3 और दूसरा वाला प्रोसीड करता है P4 तक, प्लस P4 प्लस P4, तो कितने होंगे एट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ये P3, ये P3 प्लस P4, करेक्ट,
यस सर। तो अब तुम देखो, चाहे इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम हो चाहे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, के की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे। अब हम लोग पहली इक्वेशन लिख सकते हैं 625 इज इक्वल टू P3 इंटू P3 प्लस P4, करेक्ट? यस सर। इक्वेशन लिख सकते हैं 1156 इज इक्वल टू P4 इंटू P3 प्लस P4, अग्री? यस सर। यस, अब तुमसे पूछा क्या क्या गया है। पहले तो पूछा गया है ए डैश और बी डैश के मोल्स का रेशियो। ए डैश और बी डैश के मोल्स का रेशियो जो होगा वो उनके पार्शियल प्रेशर्स का भी रेशियो होगा, करेक्ट? यस सर। दिस विल बी P3 अपॉन P4, जो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके यू कैन सी कितना मिल जाएगा, 625 बाय 1156, करेक्ट? क्लियर है? यस सर। पार्ट में पूछा है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा? देखो ए डैश का कितना है P3, H2S का P3 प्लस P4, बी डैश का P4। H2S का प्रेशर दो बार मत ऐड कर देना, ठीक है? तो कितना हो गया ये टोटल प्रेशर, 2 times P3 plus P4, अग्रीड? इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करो तो क्या मिल रहा है, ऐड करने से क्या मिलेगा, 1781 इज इक्वल टू P3 प्लस P4 का स्क्वायर, अग्री? यस सर। तो P3 प्लस P4 यहां क्या लिख सकते हो, 2 into √1781, क्लियर? तो ये रफली 84.4 आ जाएगा। समझ में आया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम? यस सर। चलो थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं इसके इसके सर एक मिनट प्रीवियस पे छुट्टी का डन तो थैंक। लेवल टू का 11th कर लो, लेवल थ्री का 2nd और 3rd, गेट इक्विप्ड एडवांस। सिंगल करेक्ट, सेकेंड, सिक्स्थ,
टेंथ चलो स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम्स सर एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाना है थैंक यू
चलो स्टार्ट करते हैं। लेवल टू वाला हो गया 11। सर एक बार कर दो। लेवल टू का 11th इज एग्जैक्टली सेम जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था पहला। तो उसमें तीन रिएक्शंस दिए हैं। ओके क्या क्या दिए हैं? ए प्लस टू बी गोज टू थ्री सी, बी प्लस डी गोज टू टू ई, 3b plus 2a goes to 4f। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या दिया है? ABD के स्टार्टिंग में 882 मोल्स है। ठीक है, रिएक्टर मान लो पहला रिएक्शन एक एक्स की एक्सटेंड तक प्रोसीड हुआ, दूसरा वाई, तीसरा जेड। तो रिएक्टेड का कॉलम माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड माइनस टू जेड प्लस फोर जेड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या मोल्स हुए सबके? ए के हुए 8 माइनस एक्स माइनस टू जेड, करेक्ट? सही है। बी के हुए 8 माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री जेड, सी के हुए 3x, डी के हुए 2 माइनस वाई, ई के 2y, एफ के 4z। ठीक है, अब सी के इक्विलिब्रियम में मोल्स दिए हैं 3, मतलब 3x इज 3, तो x आ गया 1। ई के दिए हैं 2, 2y इज 2, तो y आ गया 1। F के दिए 4, मतलब 4z is 4, तो z आ गया 1। तो A के इक्विलिब्रियम पे मोल्स हो गए 8 माइनस 1 माइनस 2 5, B के इक्विलिब्रियम पे मोल्स हो गए 8 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, करेक्ट? तो अब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकाल लो। पहले का कितना हो गया? 3q अपॉन 5 इंटू 2 स्क्वायर। दूसरे का क्या हो गया? 2 अपॉन 5 इंटू 2। तीसरे का क्या हो गया? 4 रेस टू 4 अपॉन B कितना था? 2q 5 स्क्वायर। निकाल लोगे वैल्यूज अब? सेकेंड इक्वेशन में 5 a है ही, सेकेंड रिएक्शन में a नहीं है। अच्छा सॉरी, 2 स्क्वायर अपॉन b कितना लिखा? 2 और d 2 माइनस y
टू माइनस वाई हो गया वन, ठीक है। कर लिया नोट। लेवल थ्री का सेकेंड, एनओ और एनओ टू को मिक्स किया, दो इक्विलिब्रियम हो रहे, टू एनओ टू गोस टू एन टू ओ फोर और एनओ प्लस एनओ टू गिव्स एन टू ओ थ्री, ठीक है। इनको मिक्स किया 1:2 के रेशियो में, तो एनओ का इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट, तो इसका है 2P0, सही है, अग्रीड। यस। मान लो पहला रिएक्शन एक्स की एक्सटेंट तक प्रोसीड किया, दूसरा वाई तक, तो रिएक्टेड -2x -y प्लस वाई, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे 2P0 -2x -y x P0 -y y, कितने अननोन से इस प्रॉब्लम में अभी तक हमारे सामने है, कितने अननोन हैं, तीन है, एक्स वाई और पी नॉट, तीन इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। तो पहली इंफॉर्मेशन दी है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज 1.7, मतलब एक्स की वैल्यू सीधे सीधे मिल गई 1.7, ठीक है। पहले रिएक्शन का केपी दिया है 6.8, तो 6.8 विल बी एक्स अपॉन 2P0 -2x -y का स्क्वायर, करेक्ट। एक्स की वैल्यू रख दो तो ये पूरी चीज आ गई 2P0 -2x -y इज 0.5, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन हमें दी है कि टोटल प्रेशर इज 5.05, टोटल प्रेशर लिखो 5.05 विल बी 2P0 -2x -y प्लस x प्लस P0 -y प्लस y, ठीक है। तो 5.05 इज इक्वल टू, ये पूरी चीज तो 0.5 है, x 1.7 है प्लस P0, P0 कितना आ गया यहां से, कितना हो जाएगा 2.2, P0 2.85 आ गया, करेक्ट। तो अब y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y कितना आ जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन में सब रख के, 5.6 -3.4 2.2, y आ गया कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेट करो जरा भाई, 1.8 1.8। फिर दूसरे रिएक्शन का केपी पूछा है, तो दैट विल बी y अपॉन P0 -y इनटू दैट होल नंबर इज 0.5, ठीक है। सर बोलो। सर ये नहीं सकते कि अपने वो 2P0 और P0 कैसे लिया सर स्टार्टिंग में,
स्टार्टिंग में 1:2 का रेशियो दिया है ना मोल्स का, अगर मोल्स का रेशियो 1:2 है तो प्रेशर का भी रेशियो 1:2 होगा। हाँ सर। तो एक का प्रेशर पी नॉट मान लिया, दूसरे का 2P0 होगा। हाँ सर समझा। थर्ड प्रॉब्लम में रिएक्शन दिया है H2+CO2, गोस टू H2O+CO। .1 mole H2 डाला स्टार्टिंग में, .2 mole CO2 रिएक्ट हुआ मान लो कुछ X, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, 0.1 minus x, 0.2 minus x, xx, ठीक है। अब इस समय तुम्हें दिया है वाटर वेपर इज 10 mole%, टोटल मोल्स इस समय इक्विलिब्रियम पे कितने हैं जरा देखो, 0.3, उसका 10% 0.03, मतलब x की वैल्यू 0.03 दी है, तो इन सब की वैल्यू आ गई 0.03, 0.03, 0.17, 0.07, ठीक है, ओके। तो इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अब तुम निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, 9/119, करेक्ट, 3 × 3/7 × 17, अग्रीड। हाँ सर। अब क्या किया, अब इसी कंटेनर में कोबाल्ट और कोबाल्ट ऑक्साइड डाल दिया, तो दो और रिएक्शंस होने लग गए, क्या क्या, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस H2 goes to cobalt plus H2O or cobalt oxide plus CO goes to cobalt plus CO2। अब ये तीनों रिएक्शन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, करेक्ट। तो लेट्स से अब टू अचीव साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड्स टू एक्सटेंट ऑफ ए, सेकेंड टू बी, थर्ड टू सी। तो अब रिएक्टेड कॉलम माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी। तो अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे क्या क्या आ गए, 0.07 माइनस ए माइनस बी, 0.17 माइनस ए प्लस सी, 0.03 प्लस ए प्लस बी, 0.03 प्लस ए माइनस सी, ठीक है, बोलो क्लियर है इतना, जस्ट 1 मिनट।
यस इतना क्लियर है? यस सर। और सीओ के भी सिमिलरली लिख लो कितने हो जाएंगे, 0.03 प्लस ए माइनस सी, 0.17 माइनस ए प्लस सी। अब वाटर वेपर का मोल परसेंट कितना दिया है, 30%। अभी भी टोटल मोल्स तो 0.03 है, करेक्ट? हाँ सर। तो उसका 30% हो गया 0.09। तो नाउ आई कैन राइट 0.03 प्लस ए प्लस बी इज 0.09। तो ए प्लस बी कितना आ गया, 1 मिनट, यस। तो ए प्लस बी कितना आ गया यहां से, 0.06, ओके ठीक है? यस सर। तो अब देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, ये चीज हो गई 0.09 और ये हो गया 0.01, ठीक है? तो 0.09 बाय 0.01 ये हो गया 9, अग्रीड? समझ में आया ये? यस सर। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 119 हो गया, ओके? यस सर। चल नोट कर लो।
कर इसके पिछला वाला पे दिखाऊंगा हो गया ये यस सर गेट इक्विप्ड वाले की है सर अब डिस्कस कर दो चलो एक करते हैं पहले सेकंड वाला सेकंड में क्या गिवन है फोर मोल इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन इज एडेड टू 20 लीटर वेसल कंटेनिंग पीसीएल 5 वन मोल पीसीएल 5 2 मोल PCl3 एंड 3 मोल Cl2 एट इक्विलिब्रियम तो ये ले सेटल लेयर पे है थोड़ा ऑलरेडी एक मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे है ऐसा रिएक्शन लिख लेते हैं ठीक है ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है जिसमें इसका एक मोल है इसके दो मोल है इसके तीन मोल है ठीक है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा 2/20 × 3/20 / 1/20 करेक्ट सही है अब तुमने इसमें की डिस्टरबेंस क्या किया दो मोल क्लोरीन डाल दिए चार मोल टोटल डाले इक्वी मोलर है मतलब क्लोरीन और नाइट्रोजन बराबर है ओके तो दो मोल क्लोरीन डाल दी तो अब नया हो गया 1-2-5 रिएक्ट हुआ मान लो प्लस एक्स माइनस एक्स
ना इक्विलिब्रियम पे ये हो गए मोल्स के रिमेन सेम 6/20 इज 5 - x/20 2 - x/20 अपॉन 1 + x/20 तो आ गया 6 + 6x इज इक्वल टू x² + 10 - 7x तो x² - 13x + 4 इज 0 ठीक है yeah. तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो x आ गया 13 + √169 - 16 / 2 करेक्ट यस सर देखो x 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है x की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना 2 - x नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इन दो रूट्स में एक्सेप्टेबल रूट कौन सी है केवल ये वाली 13 - √153/2 ओके ठीक है हाँ सर अब तुम्हें नए इक्विलिब्रियम पे निकालना क्या है PCl5 का मोल फ्रैक्शन तो PCl5 के कितने मोल्स हैं 1 + x करेक्ट और टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे नए इक्विलिब्रियम पे देखो इन सब के ऐड करोगे तो 8 - x अग्रीड यस सर और 2 मोल नाइट्रोजन के भी हैं वो भी तो डाले थे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते समय वो चीज पिक्चर में आ जाएगी क्योंकि वो टोटल मोल्स में आएगा क्लियर ओके यस सर तो एक्स की वैल्यू रख दो 1 + 13 - √153/2 अपॉन 10 - 13 - √153/2 कितना आ जाएगा ये 2 + 13 = 15 - √153 अपॉन 17 कैसे 20 - 7 + √153 ठीक है यस कर लिया नोट सुन चलो बुकलेट कंप्लीट करना स्टार्ट करो इसकी जितनी हो जाए ठीक है नेक्स्ट डाउट लेक्चर में हम लोगों ने कल FBO 50 तक कर लिया है यस सर थोड़े डाउट्स बाकी थे 50 तक के पहले मैं नेक्स्ट डाउट में पूछ सकता हूँ सर 50 तक के पहले के कहाँ बाकी थे 50 तक के तो सारे कल किए क्या बोल रहे हो यार तुम कल आए नहीं थे क्या मेरा नेटवर्क इशू था मैंने आधे क्लास में किया था थर्मो तक का फिर मेरा बंद हो गया था सिस्टम सॉरी सर चलो ठीक है थैंक यू सर चलो बाय एवरीबॉडी बाय सर थैंक यू सर बाय सर